हीरू उसे ऐसे सपने दिखाता है कि दिनेश ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उनके साथ जुआ खेलने लग जाता है। कल मैंने 1000 रुपए लगाकर 2000 कमाए थे, ऐसा करता हूँ आज ठेले की सारी कमाई ही लगा देता हूँ, एक दिन में डबल कमाई हो जाएगी। धीरे धीरे दिनेश को जुए के साथ साथ शराब की लत भी लग जाती है। शराब की लत उसे ऐसी लगती है कि उसका अपने काम में मन ही नहीं लगता और वो ठेले पर खड़ा होकर भी शराब के नशे में डोलता रहता है। भैया एक प्लेट लगाना तो। अरे लगता है इस आदमी ने तो शराब पी रखी है, चलो चलो हमें नहीं खानी इसकी पानी पूरी, चलो दूसरी वाली पानी पूरी खाने चलते हैं। धीरे धीरे दिनेश के सभी ग्राहक कट जाते हैं और वो सभी दूसरे पानी पूरी वालों के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। ये देख भोला और राजू बहुत खुश होते हैं। देखा भोला, अपनी चाल कामयाब हो गई ना। बिल्कुल सरकार, अब देखना उसकी पानी पूरी की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं, सब अपनी ही पानी पूरी खाएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। अपने धंधे को मंदा देख दिनेश शराब और जुए की लत में और डूब जाता है और उसका बचा खुचा धंधा भी चौपट हो जाता है। ये सब देख संध्या और बंटू बहुत दुखी होते हैं। फिर बंटू अपनी माँ से कहता है, माँ अब तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाऊंगा ना, पापा तो अब सारे पैसे शराब और जुए में ही उड़ा देते हैं। तू परेशान मत हो मेरे लाल, बस ऊपर वाले पर भरोसा रख, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा दिन नशे में धुत रहने और धंधा चौपट होने के कारण दिनेश के घर में खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। माँ अब तो घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा, अब तो लगता है भूख से ही हम सब मर जाएंगे। ऐसा नहीं कहते मेरे बच्चे, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, आज बुरा वक्त आया है कल अच्छा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन उस बाजार में एक आदमी आता है जो सबको पर्चे बांट रहा होता है, तभी वो दिनेश के ठेले पर आता है। अरे सुनो भाई, पेप्सी पानी पूरी वाले, हमारे सेठ मंगल राम चाट भंडार वाले की तरफ से एक प्रतियोगिता होने जा रही है जिसमें सभी चाट वालों के बीच कंपटीशन होगा। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसे पूरे 5 लाख इनाम और साथ ही हमारे मशहूर मंगल राम चाट भंडार वाले बाजार